हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था अमलगमेशन कॉन्सेप्ट टाइप्स एंड परचेज कंसिडरेशन। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी। एक्चुअली देयर आर टू पार्टीज, ट्रांसफेरर कंपनी एंड ट्रांसफेरी कंपनी। तो जर्नल एंट्री जो पास होगी हमारी, वो दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ट्रांसफेरर कंपनी में भी और ट्रांसफेरी कंपनी में। ट्रांसफेरी कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करने का दो तरीका हमारा है। पहला पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और दूसरा परचेज मेथड। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हम लोग मर्जर के नेचर में लगाएंगे और परचेज मेथड परचेज के नेचर में लगाएंगे। और ट्रांसफेरर कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करने का सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है। तो आज हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी और ट्रांसफेरी कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो बच्चे लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी टेंस होते हैं जब जर्नल एंट्री पास करने की बात आती है अमलगमेशन में। तो बच्चे लोग बोलते हैं, सर 20 से 25 जर्नल एंट्री बुक्स में दिया होता है तो उसको कैसे याद किया जाए। मैं आज आपको बताऊंगा 5 स्टेप में जर्नल एंट्री। अगर आप 5 स्टेप को कॉन्सेप्ट के साथ फॉलो करें तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से आप इसको समझ लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आए। तो चलिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी। जो स्टेप मैं आज बात करूंगा, उस स्टेप में फर्स्ट स्टेप होगा क्लियर द बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल रिजर्व, सबको कंसर्न अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हमारी वो मेथड होगी, तो कोशिश ये होगी कि बैलेंस शीट को निल कर दे। जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है ट्रांसफेरर कंपनी का, वो खाली हो जाएगा। जैसे ही हमारी बैलेंस शीट निल हो जाएगी, सेकंड हमारा स्टेप होगा पास द सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज फॉर परचेज कंसिडरेशन। यानी कि परचेज कंसिडरेशन जो मिलेगा उसकी सेट होती है, तीन जर्नल एंट्री का एक सेट होता है, उसको हम लोगों को पास करना है। थर्ड स्टेप होगा, आप देख रहे हो, एंट्री फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एंड फोर्थ स्टेप, एंट्रीज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। एंड फिफ्थ वन विल बी फॉर रिटर्न टू शेयर होल्डर। तो जल्दी से फटाफट ये स्टेप को दिमाग में बिठा लीजिए। फर्स्ट इज क्लियर द बैलेंस शीट, सेकंड पास सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज फॉर परचेज कंसिडरेशन, थर्ड एंट्री फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, फोर्थ फॉर प्रॉफिट और लॉस, एंड फिफ्थ वन इज टू रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। तो चलते हैं हम लोग जर्नल एंट्री में, फटाफट समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री पास किया जाएगा। तो पहले हमने बताया क्लियर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जर्नल एंट्री नंबर 1 फॉर ट्रांसफरिंग वेरियस असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस असेट्स अकाउंट। जो हमारा असेट्स था वो डेबिट नेचर का होता है, तो असेट्स को हम लोग कर दिए क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट को कर दिया डेबिट। तो इससे क्या होगा, हमारा बैलेंस शीट का असेट्स कैंसिल हो जाएगा। इसमें नोट आपको ध्यान देना है, दो नोट होगा। इफ ट्रांसफेरी कंपनी डज नॉट टेक ओवर कैश बैंक बैलेंसेस, दिस शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ बच्चे, अगर ट्रांसफेरी कंपनी हमारा बैंक और कैश बैलेंस नहीं लेती है तो उसको हम एक सेपरेट अकाउंट खोल के उसमें ट्रांसफर करेंगे, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में देंगे। नोट नंबर 2, इवन इफ सम असेट्स आर नॉट टेकन, दे शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर असेट्स नहीं भी लिया जाता है तो भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो ध्यान दीजिए, एसेट्स वेदर टेकन और नॉट शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ हमारा जो की वर्ड है वो ये है, रियलाइजेबल एसेट्स नॉट फिक्टिशियस एसेट्स। जब यहाँ मैंने बात किया एसेट का, तो इसमें टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स होगा। जो फिक्टिशियस एसेट्स है जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटर कमीशन, डेबिट बैलेंस और पीएल अकाउंट, तो ये सब यहाँ पे एसेट्स में नहीं आएगा। तो हमने जो टेंजिबल एसेट्स था और इनटेंजिबल एसेट्स था उसको ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब बच गया हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स। तो जर्नल एंट्री नंबर 2 फॉर ट्रांसफरिंग फिक्टिशियस एसेट्स टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिक्टिशियस एसेट्स से शेयर होल्डर्स, अगर फिक्टिशियस एसेट्स से हम शेयर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और तमाम फिक्टिशियस एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री विल बी देयर, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेटर टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट टू स्टेटमेंट्स ऑफ पीएल अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स ऑन डिवेंचर अकाउंट टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट। जर्नल एंट्री नंबर 3, इफ असेट्स इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय द ट्रांसफेरर कंपनी इटसेल्फ। हाँ ठीक है, असेट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जो असेट्स ट्रांसफेरी कंपनी नहीं ले रही है मैंने अभी जैसे बताया, तो उस एसेट्स को क्या करती है ट्रांसफेरर कंपनी खुद डिस्पोज ऑफ करती है। उसके लिए जर्नल एंट्रीज होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट नहीं होना चाहिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एसेट्स को हमने ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए हमें यहाँ जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब हमारा असेट साइड हो गया खाली, असेट साइड हमने क्लियर कर दिया है क्लियर द बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में। अब हम चलते हैं लायबिलिटी साइड में। तो जर्नल एंट्री नंबर 4, फॉर द लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द ट्रांसफेरी कंपनी। ट्रांसफेरी कंपनी जो भी लायबिलिटीज लेगी उसके लिए हम लोग वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं।
एंड फिफ्थ फॉर डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी बाई ट्रांसफेरर कंपनी इट्सेल्फ। अब कभी कभी ट्रांसफेरर कंपनी कुछ कुछ लाइबिलिटीज को खुद ही डिस्चार्ज करेगी, तो उसके लिए वेरियस लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें निकल के आता है नोट दो। बुक्स में आपको तीन सेट जनरल एंट्री दिया होगा इस संबंध में, मैं इसको मिक्स कर दिया। उसमें दो नोट आता है, कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों, अगर आप लाइबिलिटीज डिस्चार्ज कर रहे हो तो दो कंडीशन या तीन कंडीशन हो सकती है। कंडीशन एक, लाइबिलिटीज डिस्चार्ज एट पार, जिसका जनरल एंट्री मैंने अभी बताया। दूसरा, लाइबिलिटीज आर डिस्चार्ज एट प्रीमियम। एंड थर्ड वन इज लाइबिलिटीज आर डिस्चार्ज एट डिस्काउंट। प्रीमियम पर जब हम लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करते हैं, इसका मतलब ये है कि 100 रुपये की लाइबिलिटीज के लिए 110 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी ऐसे में लाइबिलिटीज बढ़ जाती है, ये बात समझनी पड़ेगी हमें। और जब डिस्काउंट पर लाइबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ 100 रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ को हम 100 रुपये दे, सॉरी 100 रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ को 90 रुपीज़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 10 रुपये की छूट मिलती है, जिससे हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है। तो लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। जब जब आपको लाइबिलिटी बढ़ाना हो तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ेगा, और लाइबिलिटी को डेबिट करने से लाइबिलिटीज़ कम हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट के साथ इस जनरल एंट्री को समझते हैं ताकि रटना ना पड़े। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लाइबिलिटीज आर डिस्चार्ज एट ए प्रीमियम रियलाइजेशन अकाउंट टू लाइबिलिटीज कंसर्न अकाउंट। बिल्कुल, क्योंकि लाइबिलिटीज हमारी यहाँ बढ़ गई तो प्रीमियम के अमाउंट से यहाँ लिखना पड़ेगा हमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज कंसर्न अकाउंट। अब सिमिलरली, चूंकि डिस्काउंट में उल्टी सिचुएशन होती है, तो जनरल एंट्री भी जस्ट उल्टी पास करनी पड़ेगी, जस्ट अपोजिट जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, लाइबिलिटीज कंसर्न अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए, जनरल एंट्री नंबर 6, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। बिल्कुल, यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है हमारा, उसको हमने डेबिट कर दिया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ भी दो नोट आता है, जैसे कि लाइबिलिटीज वाले में पढ़ा, इफ रिडीम्ड एट अ प्रीमियम, इफ रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट। जब प्रीमियम पर रिडीमेबल होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, अगर ये डिस्काउंट पे रिडीमेबल होगी तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप कि ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी जैसा ही था। पॉइंट नंबर 7, फॉर ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ऑल रिजर्व सरप्लस एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो इसके लिए हमने करना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व जो भी रिजर्व्स है उसको डेबिट कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्रेडिट बैलेंस डेबिट एट्सेट्रा, जो भी होगा हमारा फिक्टिश, जो भी हमारा इंटरनल लाइबिलिटीज होगी जो शेयर होल्डर्स से रिलेटेड है, उसमें रिजर्व सरप्लस और कैपिटल मेनली आता है, उसको हम लोग डेबिट कर देना है और इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो अब हमने क्या किया, 1 से लेकर 7 तक जो जर्नल एंट्री था, बच्चे दिमाग में रखना ये किसके लिए था, ये सिर्फ और सिर्फ क्लियर द बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट के लिए था। सो अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 में, फॉर परचेज कंसिडरेशन। फॉर परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल मीन्स व्हेन परचेज कंसिडरेशन बिकम्स ड्यू, ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पॉइंट नंबर 2, फॉर रिसिप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जैसे भी परचेज कंसिडरेशन मिलेगा, जिस फॉर्म में मिलेगा उसको हम लोग डेबिट करते हैं, शेयर इन ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इन ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट। हमने पहले ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट को डेबिट करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था, वहां पर पेमेंट ड्यू हुआ था और यहां पे हमें पेमेंट रिसीव हो गया, चाहे जिस फॉर्म में रिसीव हो, साथ तमाम फॉर्म्स को हम लोग डेबिट करके ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और इसमें जो सी जर्नल एंट्री मैंने बताया है वो ये है, फॉर ट्रांसफर ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो जैसे ही हमें परचेज कंसिडरेशन मिल गया तो वी नो दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट, टू डिवेंचर्स इन ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? सो दैट इज वाई आई हैव रिटन ए बी एंड सी, बिकॉज दिस इज अ सेट ऑफ जर्नल एंट्री फॉर परचेज कंसिडरेशन। तो स्टेप 2 भी हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 में, तो जनरल एंट्री 9 आता है उसके लिए, फॉर एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन। तो जैसे ही लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप या फिर जो मर्जर और ट्रांसफर हो रही है उसमें हम कंपनी को के अफेयर्स को बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं, तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस होती है जिसको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन बोला जाता है। तो वहां दो कंडीशंस हो सकती है, या तो हमने एक्सपेंसेस को खुद पे किया है, मींस इफ इट इज पेड बाय द ट्रांसफेरर कंपनी, एंड सेकेंड वन इज इफ इट इज पेड बाय द ट्रांसफेरी कंपनी। अगर ट्रांसफेरी कंपनी खुद पे करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इफ इट इज पेड बाय द ट्रांसफेरी कंपनी, नो रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड, यू डोंट हैव टू पास एनी जर्नल एंट्री।
अब अगर जनरल एंट्री पास करना जरूरी हो गया हो या कहा जा रहा हो प्रश्न में जनरल एंट्री आपको फोर्स किया जा रहा है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर फोर्स किया जाएगा कि यू हैव टू पास जनरल एंट्री, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट को डेबिट करके बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफेरी कंपनी। स्टेप नंबर थ्री क्लियर। नाउ स्टेप नंबर फोर, फॉर रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट इन रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस वट एवर इट शुड बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। सो इन केस ऑफ प्रॉफिट इट शुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, एंड इन केस ऑफ लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर फोर क्लियर। अब आइए हम स्टेप नंबर फाइव में शेयर होल्डर्स को पैसे लौटाने की बात हम लोगों ने किया था, उसमें दोनों शेयर होल्डर्स है हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स। बुक में बच्चे आगे पीछे जनरल एंट्री दिया होगा, आपको लगेगा कि नहीं बुक में जो सीक्वेंस है वो मेरी सीक्वेंस से मैच नहीं कर रही है। जनरल एंट्री बनाते समय जरूरी नहीं है कि उस सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करें, हम लोग कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और जनरल एंट्री पास करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, और जनरल एंट्री हमारा यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो जा रहा है, मिनिमाइज हो जा रहा है, डू यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, इसलिए मैंने स्टेप बनाया। तो पांचवें स्टेप में बात करते हैं फॉर प्रेफरेंस फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू डिबेंचर इन ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर इन ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट, टू इक्विटी इन ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट। जो भी मिलेगा, मैंने इफ एनी लिख दिया है, जो कुछ भी मिलेगा उसको क्रेडिट करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डेबिट करना है, और लास्ट में हम लोगों को क्या करना है, फॉर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू शेयर इन ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट। और भी कुछ होगा तो लिख देंगे। तो ये हमारा जनरल एंट्री जो ट्रांसफेरर कंपनी में थी, सिर्फ और सिर्फ 12 जनरल एंट्री में हमने सारे जनरल एंट्री को समावेशित कर लिया है और स्टेप बताया पांच स्टेप, और इस पांच स्टेप को दिमाग में अगर सेट कर लेंगे तो जनरल एंट्री रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर रटना पड़े तो रटने में सहूलियत भी होगी। तो फिर से बच्चे लोग इस स्टेप को आप लोग दिमाग में बिठा लो और रिकॉल करो कि हमने जनरल एंट्री कौन कौन सा पास किया है या करना है। तो आई होप कि जो आज का हमारा लेक्चर था आप लोगों को समझ में आया था। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरी कंपनी।